ପିଲାମାନେ ଆଜି ଆମେ କାର୍ବନ ଯୌଗିକ ବା କାର୍ବନ କମ୍ପାଉଣ୍ଡସ୍ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିବା। ତାହେଲେ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଦେଖିବା କାହିଁକି ଆମେ କାର୍ବନ ଯୌଗିକ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିବା ଆଉ କାର୍ବନ ଯୌଗିକ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ। ତାହେଲେ ଆମେ ଦେଖିବା ଆମେ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ଆମେ ଯେପରି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ବ୍ୟବହାର କରୁଛେ, ଯେମିତି ଖାଦ୍ୟରେ ଆମେ ଯେମିତି ଶ୍ୱେତସାର ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ଖାଉଛେ, ଯଦି ଆମେ ତାର ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍ ଦେଖିବା ସେଥିରେ କାର୍ବନ ରହିଛି, ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯେମିତି ଜାଳେଣି ସେଥିରେ ଯେମିତି କାଠ, ପେଟ୍ରୋଲ କିମ୍ବା କିରୋସିନ ଏସବୁରେ କାର୍ବନ ଭରି ରହିଛି। ଆଉ ଅଲଗା ନିତ୍ୟ ବ୍ୟବହାର ଜିନିଷ ଯେପରି ଅଠା, ମହମ, ସାବୁନ, ଡିଟର୍ଜେଣ୍ଟ ସବୁଥିରେ କାର୍ବନ ଭରି ରହିଛି। ତେବେ ଦେଖିବା କାର୍ବନ କେତେ ପ୍ରକାର ଯେଉଁ କମ୍ପାଉଣ୍ଡ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି ସେଇଟା କାହିଁକି କରୁଛି ଆଉ କେମିତି କରୁଛି। ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବା କାର୍ବନ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ସହିତ ରିଆକ୍ସନ କରି 4 ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ବା ସି ପ୍ଲସ୍ 2H2 CH4 ବା ମିଥେନ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ମିଥେନ ଗୋଟାଏ ଗ୍ୟାସ କିମ୍ବା କାର୍ବନ ଅକ୍ସିଜେନ ସଲଫର ଏଗୁଡ଼ିକ ସହିତ ମିଶି ମଧ୍ୟ କାର୍ବନ ଯୌଗିକ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ତେ ପୂର୍ବେ ଆମେ ଭାବୁଥିଲେ ଯେ ଏଇ କାର୍ବନ ଯୌଗିକ ଗୁଡ଼ିକ କେବଳ ପ୍ରାଣୀ ଶରୀରରୁ, ପ୍ରାଣୀ ବା ଉଦ୍ଭିଦ ଶରୀରରୁ ଆସିପାରିବ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଲାବୋରେଟୋରୀରେ ମଧ୍ୟ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦ୍ୱାରା କାର୍ବନ ଯୌଗିକ ତିଆରି କରିପାରୁଛେ। ତେଣୁ ଏହାର ସଂଜ୍ଞା ବଦଳାଇଛି। କାର୍ବନ ଯୌଗିକ କହିଲେ ପୂର୍ବେ ଜୈବ ରସାୟନ ବିଜ୍ଞାନ କହୁଥିଲା, ଏବେ ଏହାକୁ କାର୍ବନ ଯୌଗିକର ବିଜ୍ଞାନ କୁହାଯାଉଛି। ପୂର୍ବେ ଏହା ଥିଲା ଜୈବ ରସାୟନ ବିଜ୍ଞାନ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ତାକୁ କହୁଛେ କାର୍ବନ ଯୌଗିକର ବିଜ୍ଞାନ। ତେବେ ଆମେ ଦେଖିବା କାର୍ବନ କାହିଁକି ଏତେ ପ୍ରକାର କମ୍ପାଉଣ୍ଡ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି ବା ଯୌଗିକ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରୁଛି। ତା'ର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହେଉଛି ଦୁଇଟି। ପ୍ରଥମେ ଏକ ଚତୁଃସଂଯୋଜକତା ବା ତାକୁ ଇଂରାଜୀରେ ଆମେ କହେ ଟେଟ୍ରା କୋଅର୍ଡ଼ିନେସନ। ଦ୍ୱିତୀୟ ହେଉଛି କ୍ୟାଟିନେସନ। ତେବେ ଏହି ଚତୁଃସଂଯୋଜକତାଟା କ'ଣ? ଆମେ ଯଦି କାର୍ବନର ଦେଖିବା, କାର୍ବନର ଆଟମିକ ନମ୍ବର ହେଲା 6, ଆଉ ତା'ର ବାହାର କକ୍ଷରେ 4 ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ରହୁଛି। ଏମିତି ସେଇଟା ହେଲା 1s2, 2s2, 2p2। ତେଣୁ ଯେଉଁ ବାହାର କକ୍ଷ ରହୁଛି ଗୋଟିଏ 1s, ଆଉ 3 p ଅର୍ବିଟାଲ ରହିଛି, ଚାରିଟି ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ରହିଲା। ତାକୁ ଆମେ ଅଲଗା ଉପାୟରେ ମଧ୍ୟ ଲେଖିପାରିବା, ତାହେଲେ କାର୍ବନର ବାହ୍ୟତମ କକ୍ଷରେ ଏକୁ ଆମେ ପିକ୍ଚରରେ ଦେଖେଇଲେ 1, 2, 3, 4 4 ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ରହିଛି। ତାହେଲେ ଯେହେତୁ ବାହାର କକ୍ଷରେ 4 ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ରହିଛି, ତେଣୁ 4 ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ବାହାର କରି ସି
फोर प्लस करिबा डिफिकल्ट बा असंभव, तेणु कार्बन विद्युत संयोज बंध करिबा संभव नुहे। किंतु जेहेतु यह वाहक चारोटी इलेक्ट्रॉन रही आमे आउ चारोटी इलेक्ट्रॉन जदि दे पारिबा एठी तबे कार्बन चारिटी सहसंयोज्य बंध करि पारे। चारिटी सहसंयोज्य बंध करि पारे, तेणु यह कार्बन चतुसंयोजता कहा जाए। आम गोटे एग्जांपल नबा, एक सबुठ मिथेन रो, मिथेन बा सी एच फोर रो एग्जांपल नबा। सी एच फोर देखा गले सी एच 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 सी एच फोर तेब केमी हो कार्बन तार बाह्यतम कक्षर चारिटे इलेक्ट्रॉन रही प्रति हाइड्रोजन रु गोटाए गोटाए इलेक्ट्रॉन तबे एक दुई तीन तेणु चारिटी सहसंयोज बंध कर मिथेन अणु गठन कल, तेणु यह कहा जाए कार्बन रो चतुसंयोजता। आउ द्वितीय हला कैटिनेशन, कैटिनेशन कौन आमे मिथेन अणुर स्ट्रक्चर देखी थी ले सी चारिटी हाइड्रोजन थिला, जदि आमे ए गोटे हाइड्रोजन हटे ता बदल आमे आ गोटे कार्बन देवा तबे सी एच 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 कार्बन, आ जेहेतु कार्बन रा भैलेन्स चार आमे आउ तीनो हाइड्रोजन दे पारिबा ताले आमर फर्मूला हला सी टू एच सिक्स, तेणु कार्बन हाइड्रोजन बंड सहित कार्बन कार्बन बंड मध्य रहिला सी टू एच सिक्स, एहाको कह जाए इथेन। तबे आमे एथिरु आउ गोटे हाइड्रोजन हटे ता बदल आउ गोटे यदि कार्बन लिखि पारिबा ताहा हेबो एच 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 सी एच एच सी ताकु तीनोटि हाइड्रोजन लगे तबे सेटा हला प्रोपेन बा सी थ्री एच एट। तबे एम एट देखिले आम कौन करे कार्बन हाइड्रोजन सहित बंद करने सहित बंध सहसंयोज बंध करने सहित निज निज मध्य सहसंयोज बंध कर, तेणु निज कार्बन कार्बन बंड बा कार्बन कार्बन मध्य जो सहसंयोज बंध कर क्षमताटा यह कहा जाए कार्बन रो कैटिनेशन। यहीपरि कार्बन ए तीन नुहे एम देखे सी थ्री पर्यंत यह फोर फाइव सिक्स एमती असंख्य पर्यंत मध्य जाए, जमती आम गोटे एग्जांपल देखिबा आमे जो पॉलीथीन व्यवहार करुचे पॉलीथीन रो स्ट्रक्चर सी सी यह एथिलीन रो बहुलीकरण रो सृष्टि एथिलीन रो एथिलीन आ बहुलीकरण विषय आमे परे पढ़िबा। बहुलीकरण जहाँ इंग्राजी में कहा जाए पॉलीमराइजेशन, एथिरे कार्बन निज निज मध्य असंख्य बंध स्थापन कर पॉलीथीन अणु सृष्टि करे। तेबे आमे आज पढ़िले कार्बन यौगिक कौन, कार्बन यौगिक कहीं विषय कहीं पढ़ा आ कार्बन कहीं एत परिमाण में यौगिक सृष्टि कर पार्चे। प्रथम है चतुसंयोजता बा टेट्रा कोऑर्डिनेशन बा टेट्रा भैलेंसी, द्वितीय होची
कैटिनेशन तेबे आमे तो कार्बन काही केते प्रकार यौगिक सृष्टि करि पारछ आ केमिति सृष्टि करि पारछ ता विषय रे जानिले वर्तमान आमे पढिबा कार्बन रो कार्बन यौगिक रो प्रकार भेद तेबे प्रथमे आमे पढिबा कार्बन हाइड्रोकार्बन विषय रे हाइड्रोकार्बन ए नायरो आमे जानि परचे ए यौगिक रे केवल कार्बन आ हाइड्रोजन अछि तेनु यहा कार्बन युक्त हाइड्रोजन मिसी हाइड्रोकार्बन तबे ए हाइड्रोजन हाइड्रोकार्बन रो प्रकार भेद विषय जानबा ए हाइड्रोकार्बन मुख्यतः दुई प्रकार रो गोटी हैला पृक्त हाइड्रोकार्बन वा जहाँ को हमें कहे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और द्वितीय हैला अपृक्त हाइड्रोकार्बन वा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स तबे हम प्रथम पृक्त हाइड्रोकार्बन विषय पढ़िबा पृक्त हाइड्रोकार्बन रे प्रत्येक कार्बन परमाणु केवल एक सहसंयोज्य बंध द्वारा हाइड्रोजन सहित संयुक्त होता है माने कार्बन ए गुड़ी होला जदि आम एमती लिखा एटा एटा सिंगल बॉन्ड बा एक सहसंयोज्य बंध किंतु एटा होला दुई सहसंयोज्य बंध ए तीनटा होला एक सहसंयोज्य बंध तबे जदि आम देखा कार्बन केवल एक सहसंयोज्य बंध द्वारा हाइड्रोजन सहित संयुक्त हो तबे आम या कह पृक्त बा सैचुरेटेड तबे आम प्रथम देखी तीन टाइम एग्जांपल जमी मिथेन इथेन बा प्रोपेन मिथेन सी एच फोर सी टू एच सिक्स इथेन प्रोपेन सी थ्री एच एट तार स्ट्रक्चर गुड़ाक विषय आम देखा तेरे मिथेन सी एच 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 इथेन इज सी एच 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 तेरे ये है मिथेन इथेन प्रोपेन एटा वन कार्बन दुई कार्बन थ्री कार्बन सिस्टम तबे आमे ए भितर ए पृक्त हाइड्रोकार्बन रे ए कार्बन रो स्ट्रक्चर कौन हो पारे तबे आमे देखिबा मिथेन को एग्जांपल भाव में नवा तबे जो मिथेन अच्छी मिथेन रो चारिटी हाइड्रोजन सहित सहसंयोज्य बंध करुची और ये चारिटी हाइड्रोजन मिथेन सहित गोटे सम टेट्राहेड्रन बा रेगुलर टेट्राहेड्रन रे थांती तार स्ट्रक्चर टा हला रेगुलर टेट्राहेड्रन आउ एथिरे जो कार्बन और हाइड्रोजन रो कोण 109 डिग्री 28 मिनट ये समस्त परिमाण समान आमको यहाँ टू डायमेंशनल 90 डिग्री पर देखा जाए कि रेगुलर टेट्राहेड्रन
तार आंगल 109 डिग्री आउ 28 मिनिट था। आम जो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर टा लिखिबा सी एटा गोटे थ्री डायमेंशनल बा त्रिपरिसरीय ज्योमेट्री ताकु कहि परिबा। यार प्रतिटी कोण 109 डिग्री 28 मिनिट। तबे आमे विभिन्न प्रकार तीनटी एग्जांपल देखिथिले मिथेन इथेन प्रोपेन। जदि एटा तीन कार्बन रु सी फोर कार्बन हैला तबे ताकु आमे कहे ब्यूटेन वा सी फोर एच टेन। तर नेक्स्ट होची सी फाइव सीरीज रे पेंटेन वा सी फाइव एच ट्वेल्व। तबे आमे जदि पांचटी मिथेन इथेन प्रोपेन ब्यूटेन पेंटेन रो स्ट्रक्चर देखिबा सी एच फोर सी टू एच सिक्स सी थ्री एच एट सी फोर एच टेन सी फाइव एच ट्वेल्व। तबे ए भितरे डिफरेन्सटा कौन? तबे डिफरेन्स देखिबा गले यार मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होची सी एच फोर ताको आम सी गोटे कार्बन अच्छे तेणु सी वन एच टू इंटु वन प्लस टू एम लिखिपर। तबे सी एच फोर इज मिथेन। तबे इथेन आम लिखले सी टू एच टू इंटु टू प्लस टू सी टू एच सिक्स। प्रोपेन सेमती सी थ्री एच टू इंटु थ्री प्लस टू सी थ्री एच एट। तबे आम देखा गले आम जब गोटे कमन फर्मूला बाहर करवा तबे सेटा हबो सी एन एच टू एन प्लस वन सॉरी प्लस टू। तबे ब्यूटेन रो फर्मूला हबो सी फोर एच टेन। तबे सी फोर एच फोर इंटु टू प्लस टू। तबे ए जो स्ट्रक्चर आम देखुचे तबे ता भितर पार्थक्य कौन? मिथेन आउ इथेन भितर डिफरेन्स है सी एच टू। तबे इथेन आउ प्रोपेन भितर पार्थक्य भी सेम सी एच टू। तबे आम देखुचे प्रत्येक हाइड्रोकार्बन निज पर हाइड्रोकार्बन ठू गोटे सी एच टू भी पार्थक्य रोचे तेणु ये जो सी एच टू पार्थक्य रोचे ताकू आम इंग्राजी में कहे होमोलोगस क्लास बा ओडियार ताकू कहे बर्तमान आम रुक्त हाइड्रोकार्बन रासायनिक प्रतिक्रिया विषय पढ़िबा। रासायनिक प्रतिक्रिया गुड़िक मध्यरे प्रथमे आम पढ़िबा प्रतिस्थापन प्रतिक्रिया। प्रतिस्थापन प्रतिक्रिया जहाँ इंग्राजी में कहा जाए सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये प्रतिस्थापन प्रतिक्रियाटी कौन? जदि आम एग्जांपल नबा मिथेन रो यह क्लोरीन सहित रिएक्शन करे यह बना सी सी एल फोर कार्बन टेट्राक्लोराइड। तबे आम देखिबा एटा हला मिथेन अणु। प्रथमे यह जते बेले क्लोरीन सहित प्रतिक्रिया करिवो तबे क्लोरीन को आम लिखि पारिबा क्लोरीन। क्लोरीन तरे गोटे सह संयोज्य बंध रही आउ ए गोटे हाइड्रोजन प्रतिस्थापित हेब क्लोरीन द्वारा। ताले आम एथरी रिएक्शन रे कौन पाइबा तीन टी हाइड्रोजन क्लोरीन प्लस एचसीएल। तबे जदि आम द्वितीय क्लोरीन हाइड्रोजन को क्लोरीन सहित प्रतिक्रिया कराइबा तबे सेथरे कौन आसिबो प्रोडक्ट हाइड्रोजन क्लोरीन
क्लोरीन प्लस HCl एमती चारिटा स्टेप रे चारिटी जाको हाइड्रोजन बाहरी से चारिटी क्लोरीन लगी प्रोडक्ट आसीबो Cl प्लस HCl तबे आमे ओवरऑल रिएक्शन टा बा प्रतिक्रिया टा को आमे देखि परबा मिथेन प्लस 4 CCl4 बा जहां को आमे इंग्रजी कार्बन टेट्राक्लोराइड प्लस 4 HCl एमिति समस्त अन्य समस्त हाइड्रोकार्बन मध्य उपयुक्त हाइड्रोकार्बन मध्य क्लोरीन सहित रिएक्शन करी क्लोरीनेटेड हाइड्रोकार्बन सृष्टि करंती तापर हम द्वितीय पढ़िबा दहन और जहां को इंग्रजी रे हमें कहे कंबशन समस्त उपयुक्त हाइड्रोकार्बन गुड़ी दहनीय और ए गुड़ी को उपयुक्त हाइड्रोकार्बन गुड़ी को अम्लजान सहित रिएक्शन करी प्रचुर परिमाण रे जलीय वाष्प ओ कार्बन डाइऑक्साइड एवं ताप सृष्टि करंती जेहेतु एक गुड़ी का दहनीय एगुड़ी को आमे जाळेणी भाबरे व्यवहार करी परिबा आमे जे घरे रंधन जाळेणी रे उदाहरण होची रंधन गैस आमे घरे व्यवहार करथिया रंधन गैस होची एक उपयुक्त हाइड्रोकार्बन जहां ब्यूटेन 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 जहां फॉर्मूला होची C4H10 और ए आमे जो जाळेणी गैस पर व्यवहार करथे तहाला ब्यूटेन रो दुईटी आइसोमर बा समय बाबा जहां विषय आमे परे पढिबा और सेही होची गोटे हला एन ब्यूटेन प्लस 2 मिथाइल प्रोपेन ए दुईटी होचंती ब्यूटेन समावय बा जहां विषय आमे परे पढिबा और तृतीय व्यवहार होची एगुडी को मुद्रण काली भाव रे व्यवहार करा जाय एवं कार्बन ब्लैक बा जा कार्बन कोला भाव रे व्यवहार करा जाय और द्वितीय रे एहा मोमबत्ती तयारी रे एवं घर्षण हासक तैल बा घर्षण हासक पेट्रोलियम जेली भाव रे व्यवहार करा जाय तबे आज आमे पढिले उपयुक्त हाइड्रोकार्बन प्रथम रो हाइड्रोकार्बन कोन जैव रसायन विज्ञान विभाग कौन एवं चतुसंयोज कार्बन र चतुसंयोजकता कैटिनेशन विषय रे पढिले तबरे कार्बन किपर विद्युत संयोज्य बंध करि न पारे एवं सहसंयोज बंध करिता ता विषय रे पढिले तापरे आमे पढिले हाइड्रोकार्बन र प्रकार भेद जेकि उपयुक्त अपयुक्त हाइड्रोकार्बन तो उपयुक्त हाइड्रोकार्बन किपर सृष्टि हुए तार स्ट्रक्चर कौन एवं तार रासायनिक प्रतिक्रिया विषय रे पढिले हम तापरे तार विभिन्न प्रकार उपयोगिता विषय रे पढिले आज आमे एतिकरे रखियौ।